का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है युगली, उसके आज हम एमसीक्यू करेंगे जो कि आपकी आगामी अगस्त में होने वाली टीजीटी एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, कोरल चट्टाने कौन से जंतु बनाते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है सीलेंट्रेट, सेकंड ऑप्शन है काइनोडर्म्स, थर्ड ऑप्शन प्रोटोजोआ एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2002 में दिया गया है और इसका सही आंसर होगा कोरल चट्टाने सीलेंट्रेट बनाते हैं। जो जंतु सीलेंट्रेट होते हैं वे कोरल चट्टाने बनाते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, पैरामाइलम किसका संचित भोज्य पदार्थ है? फर्स्ट ऑप्शन अमीबा, सेकंड ऑप्शन पैरामीशियम, थर्ड ऑप्शन यूक्लिना एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन UPPCS 2001 में लिया गया है और इसका सही आंसर होगा यूक्लिना। पैरामाइलम यूक्लिना का संचित भोज्य पदार्थ है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, यूक्लिना में क्लोरोफिल निम्नलिखित प्रकार का पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन बी एंड ए, सेकंड ऑप्शन ए एंड सी, थर्ड ऑप्शन बी एंड सी एंड फोर्थ ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यह क्वेश्चन आपकी PGT बायोलॉजी 2009 में लिया गया था और इसका सही आंसर होगा बी एंड ए, यानी कि यूक्लिना में क्लोरोफिल बी एंड ए टाइप का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्लिना में आहार सामग्री के रूप में संग्रहित होता है। फर्स्ट ऑप्शन पैरामाइलोन कणिकाओं, सेकंड प्रोटीन, थर्ड वसा एंड फोर्थ इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका सही आंसर होगा पैरामाइलोन कणिकाओं। यूक्लिना में आहार सामग्री पैरामाइलोन कणिकाओं के रूप में संग्रहित होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन PGT बायोलॉजी 2009 में लिया गया है। दोस्तों जंतु विज्ञान की इस श्रृंखला की अगली वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आगामी वीडियो अपलोड होने पर आपको इसकी तुरंत सूचना मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर हो सके। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।